यहाँ पे सोए हुए और यहाँ से अपना तिरंगा कितना अच्छा दिख रहा, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा। सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अरे न्यू वीडियो ऐसा हालत में शूट करना पड़ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। मतलब ना ट्रेन का टिकट मिल रहा है, ना बस के टिकट मिल रहे हैं, और अभी होटल है ना, होटल भी नहीं मिल रहा है। तो मतलब फंस गए पूरे तरीके से यहाँ से आके पुणे में, और समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। और सारा चीज़ प्लान सेट था पहले से, बट ऐसा हो गया, सोचे नहीं थे हम। तो यहाँ पे स्टेशन पे यहाँ पे बैठना पड़ रहा, सामान सब ऐसे पड़े हुए हैं, तो बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब समझ में नहीं आया कैसे हुआ। आपको हम दिखा रहे, ये देखिए यहाँ पे बैठा है, बैठे हुए हैं और यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे सो रहे हैं। मतलब अभी ना रात के ना 3 बज रहे हैं और अभी हम सो रहे थे यहाँ पे, और बड़ा ही दिक्कत है यहाँ पे। तो बाहर में सो रहे तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, उठा देते हैं यहाँ से। तो और होटल भी हम कोशिश कर रहे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, होटल भी हम बुक करना चाह रहे तो वो भी नहीं मिल रहा। सारे होटल्स वगैरह जो है ना वो फुल है, अभी सारे जगह फुल है, और ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही। मतलब रात है ना कि ऐसे ही पूरा गुजारना पड़ रहा। तो ये भी मतलब एक अलग सा ही एक्सपीरियंस मिल रहा हमको कि रात में यहाँ पर बैठ के इस तरह से गुजारना पड़ रहा सारा चीज़। मतलब प्री प्लान था सब चीज़, फिर भी ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो सुबह यहाँ पे सोए और यहाँ से अपना तिरंगा कितना अच्छा दिख रहा, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा। और ऐसा कभी हम सोचे नहीं था कि ऐसा भी मतलब देखना पड़ेगा, ऐसा समय आएगा कि मतलब स्टेशन के बाहर खुली हवा में सोना पड़ेगा। ऐसे सोए हैं बट इस टाइम पे ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा सोना पड़ेगा। तो अब ठीक है यार, बुरा लग रहा है, ऐसा हो गया। तो ऐसे टाइम पे ना टिकट भी मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा एकदम। सब चीज़ का बुरा लग रहा है ना कि होटल वगैरह जो है ना वो भी नहीं मिल रहा। सबसे मेन चीज़ एटलीस्ट होटल अगर मिल जाता तो हम नाइट स्टे होटल में कर लेते। सुबह तक है ना करीबन सुबह 6:30 बजे तक हम लोग को यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, और 7 बजे के बाद भी होटल वगैरह जो भी अवेलेबल है वो सारा चीज़ मिल रहा है। 7 बजे तक जैसे तैसे गुजारना पड़ेगा। अभी 2 घंटा ऑलरेडी हम लोग बिता चुके हैं, और हम लोग को 4 घंटा बिताना हम लोग को यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो 4 घंटा और बिताते हैं। नींद भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि हल्का हल्का बारिश आ रही है तो उसके वजह से नींद टूट जा रहा है, या पुलिस वाले आके थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसके वजह से नींद टूट जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं सोने का, देखते हैं नींद आता है तो थोड़ा सो जाएंगे। 2 घंटा भी अगर सो लेंगे ना तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को आराम देना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा देर सोने का कोशिश कर रहे हैं। A few moments later, मतलब बहुत देर के बाद अभी 5:30 हो रहा है तो फाइनली जो है ना होटल मिल गया, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और ऐसा हो गया ना कि मतलब कि बीच बीच में बारिश भी आ रहा था तो बहुत मुश्किल से मतलब रात निकाले यार, बहुत मुश्किल से। 6-7 घंटे जो थे ना बहुत मुश्किल से निकले यहाँ पे भाई। एक ऐसा हल्का दिखा रहा, हल्का हल्का बारिश भी आ गया था ये, तो निकाले यहाँ से। अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग थोड़ा पहुँचेंगे होटल में तो जाके ना थोड़ा नींद आएगा। अरे यार ऑटो वाले तो अलग परेशान करते भाई। सुबह ही हम लोग अब निकल गए थे ऑटो से, और ऑटो वाले यहाँ पे ATM मतलब कैश नहीं था तो कैश निकालना पड़ रहा, तो सुबह मंदिर गया कैश निकालने के लिए। अब थोड़ा सा लग रहा कि जान में जा रहा है। आप मेरा मतलब चेहरा का हालत देख के आपको समझ रहा होगा कि कैसा, मतलब हम लोग आज रात गया मतलब कि 6 घंटे किस तरह से निकाल रहे हैं स्टेशन पे, और मतलब और ठंड भी लग रहा था वहाँ पे, और हल्की हल्की क्या बारिश भी हो रही थी। तो फाइनली मतलब 6 घंटे अर्ली चेक इन करने के लिए हम लोग को होटल में मिल गया, इसलिए हम लोग को 6 बजे तक के लिए वेट करना पड़ रहा था। कस्टमर केयर से भी बात किए थे और बुकिंग में भी बात किए थे, तो उन्होंने बोला था कि 6 बजे के बाद आप चेक इन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट होटल ही जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कैसा क्या, क्योंकि बहुत भयंकर नींद में भी है और चेहरा तो ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा, ऐसा एक्सपीरियंस भी था मतलब ऐसा टाइम में स्पेंड करना पड़ा स्टेशन पे। मतलब पहले आज तक कभी ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया। हाँ एक आध घंटा अपन स्टेशन पे वेट किए हैं, बट 6 घंटा विदाउट टिकट कुछ भी नहीं, मतलब तो ऐसे बैठे हुए बाहर में पड़े हुए थे रेलवे स्टेशन के बाहर में, और सोए हुए थे बिंदास, और नींद भी बहुत तगड़ा आया था। हम सोए हुए थे तो ये लोग जगे हुए थे, तो ऐसा करके टाइम निकल गया फाइनली। तो अभी हम होटल जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। अभी हम जो बुक किया ना वो फ्लैट मिला है, दिखाते हैं एकदम एक नंबर का फ्लैट मिला आप लोगों को, दिखाते हैं अभी हम बाहर से। यहाँ से ये जो है ना ये रूम है, आप देखते हैं यहाँ से ये मस्त, यहाँ पे एक हॉल है यहाँ पे, और एक जो है ना, और ये यहाँ पे जो है ना ये एक बेडरूम मिला है, और ये यहाँ पे सोफा यहाँ पे बैठ सकते हैं।
और ये एक बेडरूम है, यहाँ पे भी हम लोग दोनों, यहाँ पे दो लोग यहाँ पे सो सकते हैं। और ये वॉशरूम है, ये एक नंबर का वॉशरूम है, ये बड़ा है काफ़ी, दिख रहे हैं मस्त है, यहाँ पे बड़ा वॉशरूम है यहाँ पे ये वाला। और ये जो है ना किचन है, ये देखें ये वाला जो है ना किचन, क्या मस्त मिला है, मतलब फुल फ्लैट टाइप का मिला है यहाँ पे। बाकी हम लोग जो पहले गए थे ओयो में, उसमें तो दिक्कत था, यहाँ पर खाना वाना भी बना सकते हैं। तो ये वाला जो है ना पैसा वसूल हम लोग को मिला है, तो इसमें लग रहा है कि मस्त हम लोग को मिला। बाकी जैसे पहले वाला गए थे ना उससे ये बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छा। थोड़ा सा वेट करना पड़ा कि हम लोग को स्टेशन पे सोना पड़ गया, बट इसमें आ गया ना तो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को फ्लैट वगैरह दिखा दिया कि मस्त एकदम रूम यहाँ पे मिल गया हम लोग को, यहाँ पे मस्त टाइप का, यहाँ पे बस एकदम बिंदा सब सोने जा रहे हैं, अब जाके सो जाएंगे सीधा और उसके बाद दोस्त मिलते। बट लेकिन ये वाला जो हमेशा याद रहेगा कि ये मतलब किस तरह से ये जर्नी गया था और ये स्टेशन पे हमें स्पेंड किया था टाइम, तो ये हमेशा याद रहेगा। तो अभी हम सोने जाते हैं और आप लोग को मिलते हैं नई वीडियो के साथ, क्योंकि थोड़ा सा माइंड को रेस्ट चाहिए, तो सीधा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।